नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं देखें इन बहुत ही ताज़ी और फ्रेश कद्दू के पत्तियों की सब्जी रेसिपी या साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी वाकई ही बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी होती है, तो अगर आपके गार्डन में भी ऐसी ताज़ी ताज़ी कद्दू की पत्तियाँ लगी हैं तो इस रेसिपी को पक्का ट्राई कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं कद्दू की पत्तियों का साग कुछ अलग और विशेष तरीके से। तो सबसे पहले मैं कद्दू की पत्तियों को साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए हम कद्दू की पत्तियों की जो डांटी है ये बहुत मुलायम और सॉफ्ट है, लेकिन इसके ऊपर का जो ये पतली सी परत है इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसका ये जो छिलका होता है बहुत आसानी से निकल जाता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है जो बहुत आसानी से गल जाती है। तो ऐसे हम सभी पत्तियों का और जो इसकी डांटियां हैं इसका ऊपरी परत को निकाल लेंगे, और जो मुलायम मुलायम पत्तियां हैं इसको हम ऐसे ही रख देंगे। जैसे कि ये देखिए पोर्शन एकदम मुलायम था तो मैंने इसको रख दिया। और पत्तियों में जो थोड़ी मोटी सी नसें हैं इनको भी हम लोग चक्कू की सहायता से नीच के निकाल लेंगे। ये देखिए मैं बता देती हूँ, ये देखिए इसको आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसको ऐसे ही साफ़ किया जाता है। और ये देखिए मैंने सारी कद्दू की पत्तियों को खूब बढ़िया से साफ़ कर लिया है, और कितनी सुंदर और ताज़ी ये पत्तियाँ लग रही हैं, और इसकी रेसिपी भी वाकई बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कद्दू की पत्तियों को खूब बढ़िया से धो के बारीक बारीक काट लिया है। साथ में मैंने 2 या 3 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काटा है, साथ में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा मैं प्रयोग करती हूँ, और 3 लाल मिर्च जिसको मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। बस इन सिंपल सी चीज़ों से हमारी ये साग की रेसिपी बन के तैयार होगी। और साथ में मैं 2 चीज़ें और डालूंगी जो मैं बनाते समय आपको बताऊंगी, जिससे इस सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जितनी सिंपल बनाई जाती है उतनी अच्छी लगती हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैं केवल 2 चम्मच तेल, मैं अपनी रेसिपी में तेल का बहुत कम प्रयोग करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल हमारे लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। तो कम तेल में बहुत हेल्दी टेस्टी रेसिपी। तो तेल गर्म होने पर मैंने लहसुन मिर्ची डाल दिया है और इसको मैं सुनहरा होने तक भूजूंगी। 2-3 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो गया है अगर आप देखेंगे तो। अब इसमें मैं 1 पिंच हींग पक्का डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद और बेनिफिट भी बहुत अच्छा रहता है। हींग डालने के बाद मैं इसमें अपनी कटी हुई कद्दू की पत्तियों को भी डाल देती हूँ, और डालने के बाद हम इसको खूब बढ़िया से चला देंगे, क्योंकि नीचे जो लहसुन और मिर्ची अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे पकड़ सकता है, इसलिए हम पहले इसको खूब बढ़िया से चलाएंगे। साथ ही गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी कद्दू की पत्तियों को डाल दिया है और अब इसको हम लोग बढ़िया से चला लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भी सुझाव हो मुझे पक्का दीजिएगा। चलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लगभग 1/2 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए, नमक डाल दीजिए। और इसके बाद इसको हम चलाएंगे। इसमें हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कद्दू की पत्तियां खुद ही पानी छोड़ती हैं, और जब थोड़ा सा पानी छोड़ दे तो उसमें हम 1 पैकेट मसाला मैजिक या मैगी मसाला डालेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैगी मसाला डाल के इस कद्दू पत्ती के साग को ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है कद्दू ने। बस अब इसमें हम लोग गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको ढक देंगे, और ढक के 5-10 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये साग है, इसमें हमने पानी नहीं डाला है तो ये नीचे से पकड़ लेगा। तो ध्यान पक्का रखिएगा कि बीच बीच में आप चलाते रहिए, और जब तक ये सारा पानी सूख ना जाए तब तक इसको हम ऐसे ही चलाते हुए खूब अच्छे से पका लेंगे। और बहुत जल्दी बन के ये रेसिपी तैयार होती है और साथ में बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए लगभग 5-10 मिनट के बाद मेरी जो साग है वो बन चुका है। आप चाहें तो इसे और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसा ही खाना पसंद करती हूँ। और देखिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक दूसरे बर्तन में। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही लाजवाब होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें जितनी सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं वो उतनी ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया से कद्दू की पत्तियों का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा साग बन के तैयार है। अगर आपके पास भी कद्दू की पत्तियां हैं तो एक बार खूब सारा लहसुन डाल के इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस ये कोशिश कीजिएगा कि लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, और हींग का भी प्रयोग पक्का कीजिएगा, जो कि इसके स्वाद के साथ साथ इसके हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होगी, यानी हेल्थ बेनिफिट को बढ़ा देती है।
तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सुषमा स्मार्ट विलेज।